नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हिपेटोलॉजी इन धर्मशिला हॉस्पिटल दिल्ली। मैं आज आपसे हेपेटाइटिस के बारे में बात करूँगा। तो क्या होता है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस मतलब लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना। अगर हमारे लिवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से अगर हमारे लिवर में डैमेज होता है, कोई इन्फ्लामेशन होता है यानी सूजन आती है, तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये तो हो गया कॉमन चीज़ के हेपेटाइटिस क्या है। अब इसमें जानना ही जरूरी है कि हेपेटाइटिस क्यों होता है। हेपेटाइटिस होने के मेन चार पांच कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस मतलब वायरस की वजह से लिवर का इन्फेक्शन। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि जो लोग एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या एल्कोहल जिन लोगों का लिवर डैमेज करती है, उनको लिवर में डैमेज अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एक इम्पोर्टेंट कारण है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। आजकल हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं जो कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, चाहे वो देसी दवाई हैं, चाहे होम्योपैथिक हैं, चाहे एलोपैथिक हैं, चाहे कैंसर ड्रग्स हैं, उनकी वजह से भी लिवर के अंदर डैमेज होता है। एक इम्पोर्टेंट दवाई होती है टीबी की दवाइयाँ, ATT जिनको बोलते हैं, उनकी वजह से भी लिवर में डैमेज होता है। तो इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, दिस इज ऑल्सो ए कॉमन थिंग। इसके अलावा होती हैं वायरल अदर वायरल हेपेटाइटिस, लाइक कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे डेंगी, चिकनगुनिया या इवन कोरोना वायरस, इनकी वजह से भी लिवर में डैमेज होता है। कुछ होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस, हमारे जो डिफेंस सिस्टम होता है वही लिवर को डैमेज करने लग जाता है, तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो हमारे लिवर को डैमेज करती है, वो है फैटी लिवर की वजह से लिवर का डैमेज। मैं आजकल जो मरीज देख रहा हूँ उनमें हमने सबसे कॉमन देखा है फैटी लिवर हेपेटाइटिस, यानी फैटी लिवर होने के बाद लिवर का डैमेज होना, कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक स्टोहेपेटाइटिस। तो ये मोटा मोटी पाँच छः चीज़ें हैं जिनकी वजह से लिवर में डैमेज होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो वायरल हेपेटाइटिस यानी कि कॉमन वायरसेस जो लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, इनमें है हेपेटाइटिस A, B, C और E। D वायरस भी होता है पर वो इतना कॉमन नहीं है। तो ये जो वायरस होते हैं ये हमारे शरीर में आते हैं, उसके जो रूट हो सकते हैं वो खाने से, पानी से हो सकते हैं या ब्लड के रास्ते से यानी इंजेक्शन से भी आ सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो खाने पीने के रास्ते से आते हैं, बी और सी वो ब्लड के रास्ते से आते हैं। सारे वायरसेस लिवर में जाके लिवर को डैमेज करते हैं और इसमें हमारा जॉन्डिस भी हो सकती है, लिवर में डैमेज हो सकता है और इवन कई बार ये डिजीज़ फैटल भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। इन सभी वायरसेस का हमारे पास इलाज संभव है, टाइम पर डायग्नोसिस करना, उसका ठीक तरीके से इलाज करना ज़रूरी है। सेकेंड हेपेटाइटिस हम लेते हैं फैटी लिवर की वजह से, जो कि बहुत कॉमन है। लिवर में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होना फैटी लिवर कहलाता है, उसकी वजह से जो लिवर में डैमेज होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। एक हमारे अलग वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। तो अगर किसी को फैटी लिवर है, लिवर में डैमेज है, तो उसका भी इलाज संभव है। नेक्स्ट आई कम टू एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हम लोग ये जानते हैं कि एल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, पर लोग कहते हैं कि एल्कोहल तो सब लेते हैं, सबको डैमेज नहीं होता। ये बात सही है, पर किसको लिवर डैमेज होगा, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ एल्कोहल है, टाइमिंग ऑफ है, एज है, जेंडर है। तो किसको एल्कोहल डैमेज करेगा, किसको नहीं करेगा, ये हमें नहीं पता। अगर किसी को एल्कोहल लेने से लिवर में डैमेज हो रहा है, दैट मीन्स उसका लिवर एल्कोहल से सेंसिटिव है, लिवर को डैमेज कर रहा है, तो ऐसे इंसान को एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को आदत पड़ जाती है एल्कोहल लेने की, उसकी वजह से जॉन्डिस होने लगता है, लिवर में डैमेज बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली दिस लीड्स टू लिवर सिरोसिस, ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो अगर किसी को एल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस है, तो उसमें एल्कोहल एब्सटिनेंस करके उसका इलाज कराना चाहिए। अब इसमें यह है कि हेपेटाइटिस में सिम्टम्स क्या आते हैं। यूजली हेपेटाइटिस के स्टार्टिंग में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, भूख कम लगना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया होना, कमजोरी रहना, शरीर में दर्द होना या हल्का बुखार आना, फिर आगे जाके पीलिया बन जाना, पेट में सूजन आ जाना, ये सब हेपेटाइटिस के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। यानी कि ये सिम्टम तो सिंपल किसी भी बुखार बीमारी में हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। जब हमें ये लगता है कि हेपेटाइटिस है, फिर हम आगे देखते हैं कि हेपेटाइटिस किस वजह से है, उस वजह को डायग्नोस करते हैं। कई बार हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बहुत आगे जा चुका होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक लिवर डिजीज़ में, क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक का मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चली आती है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस लीड्स टू सिरोसिस, और सिरोसिस जो है वो भी फिर कई स्टेज में होता है, स्टेज 1, 2, 3 जैसे ABC भी होता है। उसमें हो सकता है हमें आगे जाके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, परंतु अगर हमें समय पे बीमारी पता चल जाए, उसका ठीक से डायग्नोसिस हो जाए, तो हम ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, हमारे लिवर को
ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूरत है इसमें ये जानना कि हमें हेपेटाइटिस तो नहीं है, अगर है तो किस वजह से है, जिस वजह से है उसका इलाज करना, और हेपेटाइटिस अगर है तो उसका ठीक से दवाई लेके परहेज करके एक्सरसाइज करके अपने डॉक्टर से सलाह करें और इसका ठीक से इलाज करें, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। नमस्कार।